सोलन की पंचायतों को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए जिला परिषद कार्यालय में दो दिवसीय सक्षम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए खंड स्तर पर तकनीकी संसाधन टीम को सक्षम बनाया जा रहा है, जिसके चलते विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के विशेषज्ञ टीम को आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करवा रहे हैं और तकनीकी संसाधन टीम के संशयों को भी दूर कर रही है, ताकि पंचायतों की जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैपिंग हो पाए और विकासात्मक कार्यों की डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सके, साथ ही सैटेलाइट के माध्यम से जल संरक्षण भी हो सके। जिला ग्रामीण विकास अधिकारी भानु गुप्ता ने बताया कि विभिन्न खंड स्तर पर तकनीकी संसाधन टीम के 21 सदस्यों को सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर तथा तकनीकी सहायकों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि वे वहां एक ओर पंचायत की मैपिंग करवा सकें तो दूसरी ओर जीपीएस के माध्यम से पंचायत में होने वाले विकासात्मक कार्यों की डीपीआर भी तैयार कर सकें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सर्वप्रथम पंचायत में नदी नाले और पानी के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, इसके लिए भी जगह संग्रहण कर उसे सिंचाई के उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें मेनली जो फोकस है हमारा वो दो चीजों पे रहता है। एक तो जो जीआईएस मैपिंग किस तरह से पंचायतों में होनी है, उसके लिए हमने जो है साइसन टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो पूरा दिन जो है आज इस के बारे में उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। और सेकेंडली जो डीपीआर प्रेपरेशन है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसके लिए डीपीआर का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर रहता है। तो गवर्नमेंट का जनरली ये फोकस रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट बने, जो भी हमारी स्कीम्स बने, उसकी जो डीपीआर है वो प्रॉपर हो। तो जीआईएस को डीपीआर से कनेक्ट करते हुए वाटरशेड अप्रोच पे जो है ये हमने डीपीआर बनाने के लिए और जीआईएस से रिलेटेड दो दिन की ट्रेनिंग रखी है, तो उसका जो शुभारम्भ वो माननीय ईडीएम साहब विवेक चंदेल द्वारा किया गया। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है कि मनरेगा में जो काम किए जाएं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में वाटर कंजर्वेशन के काम किए जाएं। तो उसमें वही है कि जीआईएस में हमें मैपिंग से ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने नाले जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं पंचायत में, कितने ऐसे वाटर के सोर्सेज हैं जिनको हम टैप कर करके वाटर को वहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं और उसके आसपास जो है वो इरीगेशन पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं।